दिख रहा स्क्रीन यस टाइम एंड वर्क का आज पार्ट टू हम लोग करने वाले हैं। देखो बोला है टू मैन और थ्री वुमेन और फोर बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मतलब दो मैन किसी काम को करने में 15 दिन लगाता है और वही काम को करने में थ्री वुमेन 15 दिन लगाती है। उसी काम को करने में चार बॉय जब मिलकर करता है वो काम को तब 15 दिन में लोग कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे कि मेन का एफिशिएंसी कुछ अलग है, वुमेन का एफिशिएंसी अलग है और बॉयज का एफिशिएंसी अलग है। अलग तो जब एक मैन एक वुमेन और दो बॉय मिलकर काम करेगा उस काम को तो कितने दिन में कर पाएगा? क्या चल सॉल्व करते हैं इसको, देखना समझना अच्छी तरह से, टेस्ट होने वाला है। देखो क्या वाला बोल, है। हाँ टेस्ट लेंगे अभी, पहले लेक्चर देखो। मान लो एक मैन का एफिशिएंसी एम होगा, वुमेन का एफिशिएंसी एक दिन का डब्ल्यू, ठीक है ठीक है। तो यस अब यहां से करते हैं, मान लो दो मैन है तो 2 × m कितना दिन तक काम करेगा? 15 दिन तक। ये जितना काम होगा वो किसके बराबर में होगा? थ्री वीमेन मतलब 3 × w, 3 × w × 15 बराबर 4 × b × 15। ये तीनों बराबर है, ये तीनों क्योंकि एक ही अमाउंट ऑफ वर्क 15 से 15 कटेगा पूरा तीनों का। ठीक है, लिहाज क्या आ जाएगा? टू मैन इज इक्वल टू थ्री वीमेन इज इक्वल टू फोर बॉयज आएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बाइन मतलब तीनों का हम लोग को देखो, हम लोग का जब पहले क्या था पिछले सवाल तक मेन और वुमेन का ही सिर्फ रेशियो दो निकालना होता था, बट इसमें नया क्या आ गया, इसमें हमारा नया चार बॉयज का भी एफिशिएंसी हमारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मेन का एफिशिएंसी क्या है वुमेन का एफिशिएंसी क्या है? तीन रेशियो को इक्वेट करना है। पहला पहला हम लोग सिर्फ दो रहता था एम बाई डब्ल्यू कर देते थे, बट अब यहाँ पे एक और बढ़ गया 3। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ऐसे में हम लोग इस तीनों फ्रैक्शन इस तीनों इक्वेशन को किसी नंबर से इक्वेट कर देंगे और वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो तो ऐसा कोई डिवाइड नंबर क्या है? 6 तो नहीं है, 12 है। मान लेते हैं ये तीनों मिलके 12 के बराबर है, तो 2m इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। जब ये तीनों 12 12 के बराबर है तो 2m इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 6। 3w भी 12 के बराबर हो जाएगा तो w हो जाएगा हमारा 4, और 4b भी जब 12 के बराबर होगा तो b हमारा हो जाएगा 3। थ्री ठीक है, तो यहां से अब हम लोग को एम डब्ल्यू और बी का वैल्यू मिल गया। एम था 6, डब्ल्यू था 4 और बॉय था कितना था, बॉय 3 था। तो टोटल वर्क निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क कितना होगा? किसी में भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 12 और 12 × 15 कितना होगा? 12 × 10 हो जाएगा 120, 180। ठीक है, इतना टोटल वर्क हो गया हमारा। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग इसमें टोटल वर्क यहाँ से निकाले, इस जगह से निकाले, इस जगह से भी निकाल सकते थे। इसे यहाँ पे डब्ल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 × 4
63 जब 180, यहाँ पे पुट करने से बात हो जाती है। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वन मैन वन वुमेन एंड टू वाइफ, तो वन मैन और दस यूनिट काम करेंगे और दो बॉय जब मिलेगा तो वो 6 यूनिट जुड़ेगा, टोटल 16 यूनिट काम हो पाएगा। अगर ये तीनों मिलते हैं, मतलब एक मैन, देखो तीनों मिलेंगे, एक मैन और दो बॉय, ठीक है, तो कितना काम हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 6, हाँ ठीक है, 6 4 10 और 6, तो टोटल 16, तो कितना दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे? 180 यूनिट काम है, इसको 16 से हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर हमारे, ठीक है। अब डिवाइड हम करने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे समझना है कॉन्सेप्ट आंसर से क्या मतलब है, ठीक है, आया समझ में? यस सर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए, 180 डिवाइडेड बाय 16 आएगा, 11.25 डेज लगेगा, इतना रेलो मिलके काम करेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 11। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो इन अ कैंप, कोई एक कैंप है जिसमें कुछ दिन का राशन है, तो 40 दिन का राशन है, ठीक है, जिसमें 40 दिन का राशन है और टोटल 250 आदमी उस राशन में खाना खा सकते हैं, मतलब कि एक कोई भी कैंप है जिसमें बहुत सारा राशन है और वो इतना राशन है, इतना इनफ राशन है कि 250 आदमी अगर डेली खाता है तो उस राशन को खत्म करने में 40 दिन लगेगा, ठीक है। तो फिर बोला आफ्टर 10 डेज, मतलब 10 दिन 250 आदमी खाना खाया और 10 दिन के बाद 50 नया मैन और आ गया, देखो 50 मोर मैन ज्वाइन, ठीक है, तो टोटल अब आदमी कितना खा रहे? 300 आदमी खा रहे, पहले 250 खाते थे, अब 300 आदमी मिलकर खा रहे, तो अब खाना क्या है? जितना दिन चलना था उसे कम दिन चलेगा, अगर ज्यादा लोग खाना खा रहे हैं तो खाना कम दिन चलेगा, ठीक है, तो वो कितने दिन जो रिमेनिंग खाना बचा हुआ है 10 दिन का खाने के बाद, वो कितने दिन वो खाना और बचेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो तुमको कुछ दिमाग में ऐसा आ रहा है कि कैसे निकलेगा? चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो मान लो एक मैन वन मैन एक दिन में वन यूनिट खाना खाते, ठीक है, एक आदमी एक दिन में एक यूनिट खाना खाता, तो 250 आदमी कितना? 250 यूनिट खाएगा, 250 और हर आदमी एक यूनिट खाएगा, 40 दिन खाना चलना, इतना टोटल खाना हम लोग के पास था शुरुआत में, ठीक है, और अब जिसमें से 10 दिन खाना खा लिया गया, तो अब कितना खाना बचेगा? 250 इंटू 1 इंटू 30 दिन का ही खाना बचेगा क्योंकि 10 दिन खा लिया गया। अब इसको कितना आदमी खाएगा? अब इसको खाएगा 50 आदमी और एक्स्ट्रा मिलकर, मतलब 300 आदमी खाएगा, ठीक है, तो कितना दिन लगेगा इसे निकालना? इसे जाएगा 10 बार में, ठीक है, और 25, मतलब 25 डेज और चलेगा खाना, आया? रिमेनिंग खाना जो बचा हुआ था, देखो ये क्या था, ये तो इनिशियल पूरा खाना था, और रिमेनिंग खाना तो 10 दिन कम हो जाएगा ना, 10 दिन खा लिया तो 30 दिन बचेगा, तो रिमेनिंग खाना इतना है, 50 दिन, अब 300 यूनिट खाना का खपत है, तो कितना दिन चलेगा?
इससे 30 दिन जाएगा, 10 बार में 10 जाएगा, कितना दिन चलेगा? 25 days. क्लियर है? यस सर. चलो 18 नंबर. 12 men can complete a work in 8 days, 3 days after. देखो चलो, ट्वेल्व मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days. मान लो एक आदमी एक दिन में एक यूनिट काम करता है, ठीक है? एक दिन में एक यूनिट काम करता है तो 12 आदमी, 12 men 8 दिन तक काम कर रहे हैं. 12 men 12 यूनिट काम कर पाएगा एक एक यूनिट करके, और 8 दिन तक ये टोटल वर्क हो जाएगा. बोला है आफ्टर दे स्टार्टेड वर्क, 3 days आफ्टर, मतलब 3 दिन ये काम कर चुका है. ये जैसे फूड वाला अभी राशन वाला की ना, उसी टाइप का है. 3 दिन काम कर चुका है, तब बचा कितना दिन का काम है? 5 दिन का. 12 into 1 into 5 दिन का काम बचा है. इसको कितना लोग कर रहे? 3 more men ज्वाइन कर लिए हैं, मतलब इसको 15 लोग मिलकर कर रहे. तो इन हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. तो रिमेनिंग वर्क कितना ही है, और आप उसको 12 का जगह 15 लोग मिल रहे हैं. तो ये जाएगा इससे 3 बार में, इससे जाएगा ये 4 बार में. तो 4 डे और लगेगा रिमेनिंग वर्क को करने में, ठीक है? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग. 18 बार 19. सीता कैन फिनिश सम वर्क इन 6 days, वर्किंग 5 hours a day. गीता कैन फिनिश द सेम इन 15 days, वर्किंग 3 hours a day. In how many days can they finish the work if working together at 3 hours per day? देखो, सीता जो है वो 6 दिन काम करती है और हर दिन 5 ही घंटा काम करती है, ठीक है? और गीता उतना ही काम करती है, 15 दिन लगाती है, बट वो पर डे 3 घंटा ही काम करती है. तो जब वो दोनों मिलके काम करेंगे और एक दिन में वो सिर्फ 3 ही घंटा काम करेंगे, तो कितना दिन लगेगा उनको काम खत्म करने में? सॉल्व करते इसको. देखो ये हो गई सीता, ये हो गई गीता. तो ये काम को कितने घंटे में करती है? 30 घंटा में, 30 आवर. 6 दिन लगाती है, 5 घंटा के हिसाब से, तो 30 घंटा लगाती है टोटल उस काम को खत्म करने में. और गीता 15 डेज वर्किंग 3 hours a day, मतलब 45 आवर लगाती है. तो टोटल काम हम कितना मान लेते हैं? 90 दोनों कैल्शियम. तो ये 1 घंटा में कितना यूनिट काम करेगी? ये 1 घंटा में 3 यूनिट काम करती है, और ये 1 घंटा में 2 यूनिट काम करती है. ये 1 घंटा में 3 यूनिट, ये 1 घंटा में 2 यूनिट. तो दोनों 1 घंटा में मिलकर कितना कर पाएंगे? 5 यूनिट. और वो लोग जब मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 घंटा काम करेगी. तो ये 1 घंटा का, 3 घंटा में कितना कर पाएंगे? 15 यूनिट डेली. टोटल काम है 90, 15 से जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6. 6 दिन में, नहीं नहीं नहीं, 15, हाँ 6 दिन में ये दोनों मिलके काम को खत्म कर देगा. जब 3 घंटा पर डे, जब वो लोग 3 घंटा काम करेंगे तब. समझ आया?
फिर से एक बार समझाते हैं। देखो 6 घंटा काम करना है और 5 घंटा ही काम पर डे करते हैं, 6 दिन लगाती है, 5 घंटे टोटल कितने का आवर लगाती है, 30 आवर लगाती है। इसी प्रकार गीता 15 दिन काम करती है और पर डे 3 घंटा, तो टोटल 45 आवर काम करती है। टोटल हम लोग काम ये दोनों का एलसीएम मान लिए तो 90 आ गया हमारा, ठीक है। तो 30 घंटा में इसको 30 घंटा लगाती है 90 यूनिट काम करने का, तो 1 घंटा में 3 यूनिट काम करेगी, इसी प्रकार ये 1 घंटा में 2 यूनिट, तो दोनों जब मिल के काम करेंगे तो 1 घंटा में ये दोनों 5 मिनट करेंगे। बट बोला है कि लोग 3 घंटा पर डे काम करेंगे, तो ये 1 घंटा में जब 5 मिनट करेंगे, 3 घंटा में 15 यूनिट करेंगे, ठीक है, एक दिन का। तो टोटल कितना दिन लग जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो आंसर, ठीक है। चलो नंबर 20 समझ में आ रहा है ना। A and B working separately can do a piece of work in 6 and 9 days respectively. मतलब A किसी काम को 6 दिन में करता है, B उसी काम को करने में करता है। They work on alternate day. मतलब दोनों साथ काम नहीं करते। पहला दिन देखो अगर अकेला A करेगा ना तो उस काम को 6 दिन में करेगा, और जब अकेला B करेगा तो उस काम को 9 दिन। बट ये बोल रहा है अल्टरनेट काम करते हैं और स्टार्ट ए से होता है, मतलब पहला दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, तीसरा दिन फिर ए कर रहा है, चौथा दिन फिर बी कर रहा है, ऐसा ऐसे करके कितना दिन लगेगा काम होने में। ओके है, क्वेश्चन समझ में आया अच्छा से। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना। देखो ए जो है हमारा 6 दिन लगाता है, बी हमारा 9 दिन लगाता है, एलसीएम ले लेंगे तो 18 आ जाएगा। ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और ये एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। टोटल काम है 18, पहला दिन ए करेगा तो ए कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट, दूसरा दिन बी करेगा 2 यूनिट, फिर तीसरा दिन ए करेगा 3 यूनिट, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा 3 यूनिट, फिर बी करेगा 2 यूनिट, कितना हुआ ये 5, 10, 15 हो गया, ठीक है। फिर ए करेगा 3 यूनिट, ठीक है, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 12, 1, 2, 3 12, 6, 18, ठीक है। टोटल कितना दिन लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज लगेगा। आया क्लियर? थोड़ा लंबा है प्रोसेस, देखो इसमें लंबा प्रोसेस, इसको शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे करना है। ये तो मान लो 18 यूनिट था काम, मान लो रहता 50 यूनिट, कितना हम लोग, ये तो बहुत लंबा होगा ना, तो उसका अलग तरीका है, हम देखेंगे। समझ में आया? हाँ यहाँ पे बोलो ए स्टार्ट करना था, तो ए से स्टार्ट किया, अगर बी से बोलता तो, ठीक है। यस सर, आओ समझाएंगे। हेलो, हम बोल समझ में आ गए थे, आपका नेट नहीं काम कर रहा है। नहीं, मेरा काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा नहीं, अभी तो ठीक है ना। लैग कर रहा था, वो लास्ट सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हाँ हाँ, चलो देखो, ए किसी काम को करता है 12 दिन, बी किसी काम को करता है,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल वर्क, मान लेते 60 यूनिट, ये 5 लगाएगा और ये 4 लगाएगा, यस सर। ठीक है? कॉल आ रहा है, हट नहीं रहा है। ठीक है, तो कॉल कट गया ना अभी? ठीक ट्रू कॉलर है ना, तो ट्रू कॉलर कर दीजिए। क्या अभी कनेक्ट हुआ ना? यस नहीं, हटा के हट गया? नहीं सर, लेकिन आपका स्क्रीन नहीं शेयर हुआ है अभी तो। नहीं अभी हम इसमें शेयर नहीं किए, अभी जो लास्ट क्वेश्चन बताया वो नहीं आया। क्वेश्चन हम लोग ए बी का किए थे ऑल्टरनेट वाला, वहां तक हमको समझ में आ गया। अच्छा, और बात है कि एक तुम एक दो लेक्चर पहले बोली थी कि तुम लास्ट का कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस का, यस सर। अच्छा हाँ, परसेंटेज नहीं लॉस का शायद। तो उसको भी आज डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है? यही सवाल था ना? किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन, टोटल काम दोनों कैल्शियम मान के 60 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये एक दिन में करेगा 5 यूनिट और ये एक दिन में करेगा 4 यूनिट। बोला दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है, स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है? तो ए किसी काम करता है 5 एक ही दिन में और बी करता है 4, तो दोनों मिलकर कितना करता है? 9 करता है। टोटल काम कितना करना है? 60 करना है। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? नहीं जाएगा। 6 बार में 54 आएगा और 6 यूनिट काम बच जाएगा। तो ये 6 दिन आया, मगर ये 6 दिन नहीं है, ये 12 दिन है, दिन क्योंकि ये एक और एक मिलकर 2 बना था। 2 दिन का काम था 9, देखो 2 दिन का काम था 9, तो जब 2 दिन का काम लेके जोड़े तब 6 दिन आया, तो मतलब इसका मतलब वो 12 दिन, ठीक है? यस सर, समझ नहीं समझ में आया? गए सर। ठीक है, अब बोला है कि अब ए भी, अब 6 यूनिट अभी काम बचा है, तो ये 6 यूनिट को कौन करेगा? फिर ए करेगा, तो ए करेगा 5 5 यूनिट कर लिया, फिर ए करेगा 5 यूनिट, ठीक है? अब फिर कितना एक काम बचा? एक यूनिट काम बचा, फिर इसको बी करेगा, तो बी कितना समय लगाएगा? 1 यूनिट काम है तो 1/4 लगाएगा 1 दिन का, पूरा 1 दिन, क्योंकि देखो बी क्या है कि बी 1 दिन में 4 यूनिट करता है, बट एक ही काम बचा है, तो उसको तो 1/4 डे लगाएगा ना, वो कंप्लीट 1 दिन थोड़ी लगाएगा,
एक दिन का तो 1/4 ही लगाएगा, ठीक है। तो सर। टोटल डे कितना हुआ है अब, 12, ये 13, 13 1/4 ये टोटल डेज होगा उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। हाँ ये क्लियर हुआ, टोटल यस डेज कितना हो सर। जाएगा, इधर से ये 12 और इधर से 13, 13 और ये 1/4, तो आंसर हो जाएगा 13 1/4। सवाल, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 24 डेज। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी किसी काम को करता है 24 24 डेज में। एलसीएम होगा 120, ये पर डे 6 यूनिट काम करता है, पर डे वो 5 यूनिट काम करता है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी, मतलब पहले बी करेगा 5 यूनिट, फिर ए करेगा 6 यूनिट, दोनों मिलके 2 दिन में कितना करते हैं, 11 यूनिट। 120 यूनिट करना है मिलके, 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में आ जाएगा, 110 काम बचेगा, तो ये 10 नहीं है, ये 10 to 20 डेज है, ठीक है। एक एक दिन एक्स्ट्रा दो दो ले रहे हैं। अब कितना काम बचा है हमारा, 10 दिन काम बचा है। इसको करने कौन आएगा, इसको देखो बी ए आ, बी और ए होगा, ठीक है। तो अभी इस बार फिर बी आएगा, अभी बी ए का पेयर चल रहा है, पेयर बी ए फिर बी ए, तो अब जब बारी आएगा फिर से बी का आएगा, तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, दो, ठीक है। तो बी अब कितना एक दिन में करेगा, 5 यूनिट, फिर 5 यूनिट बचा, तो फिर ए आएगा, इस 5 यूनिट को करने में इतना इतना दिन लगेगा। यस नहीं समझ आया, सर, समझ तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 20 दिन, यहाँ से 21 दिन, 21 फाइव बाई डेज हो सिक्स। जाएगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 23। देखो, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। अब तीनों को मिला के 240 रुपया मिला किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो बोला हर आदमी ए का, ए को कितना पैसा मिलना चाहिए, तो जो जितना जितना ज्यादा दिन काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं नहीं, जो जितना ज्यादा दिन काम करेगा उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता, जो कौन कित जो जितना जितना जो जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलता, पैसा एफिशिएंसी के हिसाब से मिलता है, ये कौन आपका कितना काम कंप्लीट किया है उस हिसाब से। अब हमको बोलेगा कि भैया आप एगो घर बना दीजिए, हम हर दिन एक एक ईटा जोड़ेंगे, तो घर तो भैया 15 साल 20 साल लग जाएगा बनते बनते, तब तो 15 साल का हम पैसा नहीं ना ले सकेंगे उससे। मगर वही बात हाँ कि एफिशिएंसी मेरा ज्यादा रहेगा, हम एक ही 2 दिन में घर बना देंगे, तो पूरा घर का पैसा हमको तुरंत मिल जाएगा बनाने का, ठीक है। तो उसी हिसाब से, तो जो इस सवाल में हम लोग जिसका जितना एफिशिएंसी रहेगा उस हिसाब से उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। हाँ देखो, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उस काम को करता है 15 दिन में, और सी उस काम को करता है 20 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5, ये एक दिन में करेगा 4, और सी कितना एक दिन में काम करेगा, 3 यूनिट, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो रहा है, 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। 240 है तो 12 यूनिट काम हो रहा, तो 1 यूनिट का पैसा कितना हो जाएगा, 20 रुपीस, ये 1 यूनिट का पैसा होगा, ये 5 यूनिट काम किया है तो 20 × 5 = 100 पैसा मिलेगा ए को। हाँ
ये 240 रुपया टोटल 12 यूनिट का पैसा है, तो एक यूनिट का 20 रुपया होगा, तो 5 यूनिट किया तो इसको 100 रुपया मिला। ठीक है, अब और भी कैसे कर सकते हैं, देखो 240 रुपया है, ए का रेशियो है 5 और ओवरऑल 12 यूनिट आपका, इससे ये जाएगा 20 बार में यहां से भी सवाल करना। ठीक है, क्लियर है? देखो अब पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो एक कोई टैंक है, एक पाइप इधर है, दूसरा पाइप इधर है, ये 10 लीटर पर आवर भरता है पानी, 10 लीटर एक घंटे में भरता है, ये 12 लीटर एक घंटा में भरता है। ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा 20, ये 12 लीटर ये पानी लीकेज हो जाता है। ठीक है, ये भर रहा है टैंक में, ये टैंक के कोई भी लीकेज है, ठीक है, या फिर कोई लीकेज पाइप है, तो ये पानी खत्म कर रहा है, तो जब बोला तीनों जब साथ में चलेगा तो ये टैंक कितना देर में भरेगा, ऐसा सवाल इसमें आता है पाइप में। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। टू पाइप्स ए एंड बी फिल अ टैंक इन 20 आवर एंड 15 आवर रेस्पेक्टिवली एंड देयर इज अ आउटलेट विच कैन एम्प्टीड फुल टैंक इन 30 आवर्स इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन simultaneously in how many hours tank will get filled। क्वेश्चन समझ में आया, आपका समझ में आया ना ये सवाल? चलो तो सॉल्व भी करते हैं। देखो ये किसी काम को करने में 20 घंटा लगाते हैं, बी उसी काम को करने में 15 घंटा लगाता है, और इस एक ही एक और पाइप है सी, देयर इज एन आउटलेट विच कैन एम्प्टीड फुल टैंक इन 30 आवर्स। देखो ये 20 घंटा में भरता है, ये 15 घंटा में भरता है, 30 घंटा में खाली करता है, तो इसका एफिशिएंसी क्या है, नेगेटिव एफिशिएंसी है, ये काम को और कम कर दे रहे, ये लोग जितना पॉजिटिव काम करते हैं नेगेटिव काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये 20 घंटा में भर रहा है, ठीक है, ये 15 घंटा में भर रहा है, ये 30 घंटा में खाली कर दे रहा है, तो ये नेगेटिव काम कर रहा है ना, तो ये मान के चलते हैं कि अब हमारा जो टैंक है वो कितना देर में भरेगा, कोई एलसीएम लेके हम लोग निकालते हैं कॉमन नंबर, कितना देर में भरना चाहिए, मान के चलो टैंक 60 आवर में भरना चाहिए, ठीक है, तो इसका टैंक का कैपेसिटी मान लो 60 लीटर है, सॉरी 60 लीटर है टैंक का, तो ये एक घंटा में कितना भरेगा, ये 3 लीटर भर पाएगा, ये एक घंटा में 4 लीटर भर पाएगा, और ये एक घंटा में -2 लीटर कम कर पाएगा। ठीक है, तो जब तीनों साथ में चलेगा तब क्या होगा, बोला कि जब तीनों पाइप को साथ में खोल दिया जाता है, तो ये 4 3 7 और 7 में से फिर 2 लीटर माइनस करेंगे, मतलब ओवरऑल हमारा 5 लीटर टैंक में जा रहा है, देखो जा के ना रहा था 4 3 7 मगर 2 निकल जा रहा है, तो 5 ही लीटर टैंक में बच पा रहा है, तो पूरा टैंक को भरने में कितना लगेगा, 60 लीटर कैपेसिटी है, डिवाइड कर देंगे तो 12 आवर लगेगा। ठीक है, चलो सवाल 25 चैप्टर। देखो असिस्टेंट हैज टू टैप्स विच कैन फिल इट इन 12 मिनट्स एंड 15, मतलब एक
एक पहला पाइप जो है, जो पहला हमारा नल है वो 12 मिनट में भरता है, दूसरा वाला 15 मिनट में भरता है। और बोला है देयर इज ऑल्सो ऑल्सो अ वेस्ट पाइप, एक वेस्ट पाइप भी है। और जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक जो खाली टैंक है वो 20 मिनट में भरता है। तो बताइए जब सिर्फ हम वेस्ट पाइप को खोलेंगे तो कितने देर में वो एक भरा हुआ टैंक को खाली कर पाएगा, ये सवाल। ठीक है, क्वेश्चन यस समझ में आया? हाँ देखो, ए है, किसी काम को करता है 12 मिनट में, टैंक भरता है। बी 15 मिनट, और ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू है 20 मिनट। ये 12 मिनट में, ये और ये तीनों खोलता थे 20 मिनट में। ठीक है, टोटल काम मानते हैं हम लोग 60 लीटर का है कैपेसिटी। तो ये क्या करता है, ये 5 लीटर भरता है, ये 4 लीटर भरता है, और ये 3 लीटर भरता है। तो सी कैपेसिटी कितना होगा? देखो, ये 5 और 4 नॉज अंदर जा रहा है, मगर सी के कारण सिर्फ 3 ही पहुंच पा रहा हाँ है, 6 लीटर मेरा बाहर निकल जा रहा है। जब ए और बी सब साथ में भरता है, ए 5 लीटर भर सकता है, बी 4 लीटर भर सकता है, मगर ए और बी और सी जब मिलता है तो 3 ही लीटर पहुंच रहा है। तो ये 5 4 9 लीटर अंदर दे रहे, बट 3 लीटर पहुंचे तो 6 लीटर वेस्ट हो जा रहा है। तो ये सी का नेगेटिव कैपेसिटी जो है, ठीक है, कितना है? 6 लीटर वो बाहर निकालता है। तो वो एक भरा हुआ टैंक को कितना देर में खाली कर पाएगा? भरा हुआ टैंक का कैपेसिटी है आपका 60 लीटर, 60 बाय 6 करेंगे तो 10 मिनट में वो कंप्लीट खाली कर पाएगा। ठीक है, अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स बिकॉज ऑफ अ लीक। देखो, ए किसी टैंक को 2 घंटा में भरता है, और एक लीक भी है, मतलब ए माइनस बी, ये बी क्या है, लीक है, लीक। ये दोनों काम करते हैं, 7 बाय 2 आवर्स लेते हैं, 7 बाय 2 आवर्स लेते हैं। ठीक है, तो अब टोटल कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं। टोटल कैपेसिटी कैसे होगा? ऊपर ऊपर कैल्शियम ले लो, जब भी फ्रैक्शन होता है तो ऊपर ऊपर कैल्शियम ले लो, तो आएगा मेरा 14। तो ये 1 घंटा में कितना भरेगा? 7 लीटर, और ये 1 घंटा में कितना भरेगा? 4 लीटर। 14 डिवाइडेड बाय 7 बाय 2, 14 × 2/7, ये 2 जगह 2 बार में 2 2 4। ठीक है, तो देखो ये यहां से क्या बी का कैपेसिटी कैसे निकलेगा, जो आउटलेट पाइप से कैपेसिटी, देखो ये 7 लीटर भर रहा है, बस पहुंच रहा है 4 ही लीटर। तो बी का कैपेसिटी 3 लीटर का होगा जो वो बाहर निकाल दे रहा है। तो द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन कितना? 14। अच्छा, बी का कितना? 3 होगा ना, बाई 3 आवर्स टाइम लेगा। आया समझ में? हाँ, तो ये हमारा टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर खत्म हो गया। क्लास रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो गया। अब तुम्हारा कंफ्यूजन जो था, जो चैप्टर में था, वो परसेंटेज है कि जो भी देखते हैं उसको भी सॉल्व कर देते हैं। वाटर बॉटल लेके आए थे। हाँ, जाओ, हम इस क्लास 2 मिनट के बाद हम चालू करेंगे फिर से। ठीक है, हम भी चॉकलेट वॉकलेट खा लेते, पानी पी लेते। चलो, हमको चॉकलेट बहुत पसंद है, हम चॉकलेट बहुत खाते हैं, बस दांत मेरा नहीं सड़ा है अभी तक।
हेलो। पानी बोतल आने दूसरे का घर गई थी कि अपने घर से लेके आई? जैसे दूध में कुछ मिलाया नहीं था कोई, तो मैं ये मिला रही थी। प्रॉफिट लॉस का इसको क्वेश्चन था ना?
सिर्फ लास्ट क्वेश्चन था और कुछ नहीं था ना? नहीं सर। ये क्वेश्चन हेलो यस यही वाला था या दूसरा क्वेश्चन था? एंड सेल्स टू हॉर्सेस एट 4,000 ईच एंड देयर इज नो गेन लॉस ऑन द होल इंटरवेंशन। ऊपर ढंग से याद भी नहीं है। रिवीजन करेगी तो ना ढंग से याद रहेगा, बना देते हैं लास्ट ही क्वेश्चन यही होगा। देखो, अ मैन सेल्स टू हॉर्सेस 4 रुपीज 400 एच। सेलिंग प्राइस पहला हॉर्स का भी 4,000, दूसरा हॉर्स का भी 4,000। बोला है सो डेट देयर इज नो गेन नो लॉस ऑन द होल, मतलब कॉस्ट प्राइस भी, प्राइस अगर 8,000 है तो कॉस्ट प्राइस भी दोनों को मिला के 8,000 ही होना चाहिए, तभी नो लॉस और नो गेन हो। बोला इफ ही गेन 25% ऑन द फर्स्ट, तो फर्स्ट का दाम कितना हो जाएगा? 3,200। बोला है पहले घोड़े में वो 25% गेन कमाया है, तो ये 3,200 होगा ना, 25% बढ़ाएंगे तब 400 होगा, 4,000 होगा। टीपी टू 125/100 इज इक्वल टू 4,000 आएगा। बोला 25% कमाया है तो एसपी जाहिर सी बात है हमारा 125% सीपी का होगा, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये हमारा 3,200 आ जाएगा। ठीक है, बोला फाइंड द लॉस ऑन द सेकेंड हॉर्स, सेकेंड हॉर्स में से कितना लॉस हुआ है? जब इसका 3,200 है तो इसका कितना होगा? 4,800 होगा, ये टोटल मिला के 8,000 होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस लॉस कितना हो रहा है इसको? 800 का हो रहा है आउट ऑफ 4,800 हो रहा है, ये हो जाएगा मेरा 1/6। 1/6 कितना लॉस परसेंट होता है? वन बाई सिक्स कितना होता है? 1/6 1/6 16/6 16.66 कितना ही होता है ना? 66 16.66% होता था। ठीक है, तो हाँ इतना लॉस हुआ। मान लो ये सवाल तुम्हारा नहीं होगा, दूसरा सवाल भी हम देख लेते। सर, आप जो पीडीएफ बनाए हैं आप वो पीडीएफ भेज दिया कीजिए मेरे क्लास में।
मेरा ही नेटवर्क खराब है। बोल रहे वही होगा, ओके अगर वही नहीं होगा तो तुम लेक्चर को फिर से दोबारा देख लो, जो भी लेक्चर होगा ऑल राइट सर। दोबारा तो देख सकती हो, रिकॉर्डिंग तो ऑप्शन है कि तुम दोबारा देख सकती हो। सर आप जो पीडीएफ रेडी करते हैं अभी तक का, वो पीडीएफ भेज दीजिए ना मेरे को, वो ज्यादा आसान हुआ मेरे लिए। अच्छा नोट करने के लिए तो हाँ अब देखना होगा पीडीएफ बचा है कि नहीं मेरे फोन में। ठीक है, आप अपने से लिख मेहनत नहीं लेंगे? करना। नहीं, मेरे को फिर ये फोन में खोलना पड़ेगा, फिर फोन में देखने। ठीक है, मगर एक बार तुमको रिवाइज तो करना ही होगा सारा चैप्टर। और कहाँ तक पहुंची वर्ड पावर में डीजी में? यस सर, वर्ड पावर में डीजी में कहाँ तक पहुंची? आपका क्या उसको बोलते हैं, हम 15 वो तक करके छोड़े हुए हैं अभी 2 दिन से। इंग्लिश अच्छा, इंग्लिश का कहाँ तक पढ़ाई कर रही हो? में हम पैसेज, जितना पैसेज था वो बना लिए। फिर आपका पैरा जंबल पैसेज है ना, वो पढ़ रहे थे किसी दिन। और वो सब नहीं क्या पढ़ो, बोलते, ग्रामर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ग्रामर बुक में सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, तो हम बुक का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ग्रामर नहीं पढ़ी, बोलो डायरेक्ट ना, घुमाना क्या, ग्रामर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ग्रामर नहीं पढ़े? मेन वही है, पेस बनाएगा एग्जाम में, वही काम आएगा। ठीक है, देखो सब कोई बोल रहा है एमबी करें, पहले एग्जाम निकालो तो कितना ऑप्शन मिलेगा एमबी करने। ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही, बाकी भेजेंगे अब हम पीडीएफ उनको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, अगर जितना यस पढ़ी होगी भूल गई होगी तो आज का काम यही कि सारा लेक्चर्स को तुम एक बार फिर से देख लो, रिवाइज हो जाएगा। एटलीस्ट तुमको 3 से 4 बार तो, 5 से 3 से 4 बार तो रिवाइज तुमको करके जाना पड़ेगा। ठीक है, सर। बेबी।